लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में मंगलवार को पेजन ने जमकर तबाही मचाई। बीप की आवाज के साथ हुए धमाकों से हर तरफ चीख पुकार मच गई। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक लेबनान में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 4000 से ज्यादा बताई जा रही है। इन धमाकों में हिजबुल्ला के 500 से ज्यादा लोग अपनी आंखें गंवा चुके हैं। लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तफा अमानी को भी इस ब्लास्ट में अपनी एक आंख गंवानी पड़ी है, जबकि उनकी दूसरी आंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा मरने वालों में लेबनानी सांसदों के बच्चे भी शामिल हैं और हिजबुल्ला के लड़ाकों के परिवार भी इन धमाकों की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि लेबनान और सीरिया में जिन पेजर में ब्लास्ट हुआ, उनमें ब्लास्ट से कुछ सेकंड पहले ही बीप की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कुछ पेजर लोगों की जेब में ही ब्लास्ट हो गए, जबकि कुछ लोगों ने बीप की आवाज सुनकर जैसे ही पेजर को अपनी जेब और बैग से बाहर निकाला, तभी उनके हाथों में ये ब्लास्ट हो गया। हिजबुल्ला ने अपनी शुरुआती जांच के बाद इन धमाकों को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिसमें बताया गया है कि सारे पेजर पर एक ही जैसे मैसेज आए थे, जो कि एरर के मैसेज थे। इस मैसेज के बाद सभी पेजर एक साथ वाइब्रेट होने लगे और एकदम से काफी गर्म हो गए। कई लोगों ने डर के मारे इन पेजर को दूर फेंक दिया, जिससे कि वो बच गए, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आया, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ मोसाद के खुफिया ऑपरेशन के तहत इन पेजर में विस्फोटक फिट किए थे। हिजबुल्ला ने ताइवान की गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी को लगभग 3000 पेजर का ऑर्डर दिया था, लेकिन इन पेजर के लेबनान पहुंचने से पहले ही इनके साथ छेड़खानी की गई। इन सभी 3000 पेजर्स को इस साल अप्रैल और मई के महीने में ताइवान से लेबनान भेजा गया, जिससे कि ये साफ लगता है कि इस हमले की साजिश को कई महीने पहले अंजाम दिया गया था। स्काई न्यूज अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्ला के पेजर्स के भीतर PETN फिट किया था, जो कि एक तरह का विस्फोटक है, जिससे कि सभी पेजर्स की बैटरी पर लगाया गया, जिसके बाद इन पेजर्स की बैटरी के तापमान को बढ़ाकर विस्फोट किया गया। ऐसी और जानकारियों के लिए आप बने रहिए India.com के साथ।